अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कवल किचन। प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मसालेदार भिंडी की। ये भिंडी वैसे बहुत सारे स्टाइल में बनती है, बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है सबका, अलग अलग बनाने का स्टाइल होता है। ये भी बिल्कुल अलग स्टाइल है, ये आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। और अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को और शेयर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने सबसे पहले ले ली है भिंडी और उसको मैंने इस तरह से काट ली है, धोकर काट ली है। धोकर इस वजह से काटते हैं ताकि इसका लेस जो है वो बाद में ना निकले, पहले ही धो लेने से ये होता है कि बाद में जो हम धोते हैं, जब काटने के बाद धोएंगे तो इसका पूरा लेस निकल जाता है और लेस हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। प्याज ले ली है मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ की, टमाटर ले लिए हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के, कुटी हुई मिर्चें ली हैं 1 टेबल स्पून, ज़ीरा ले लिया है 1/2 टेबल स्पून, हल्दी ले ली है 1/2 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़ायका, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें ले ली हैं 2 से 3। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो आप मिर्चों की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ऑयल ले लिया है मैंने 1/2 कप। चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कर लेना है फ्लेम ऑन, उसके बाद हमने इसमें डालना है ऑयल। ऑयल गर्म हो जाने की सूरत में हमें डालना है इसमें प्याज। और इसे हमें अब पिंक होने तक पकाना है। भिंडी के लेस के जो होते हैं बहुत फ़ायदे होते हैं और ये तो मेरी बहुत फेवरेट सब्जी है। ये अब इसको पिंक होने तक हमें ये पकाना है। अब इसके बाद हमें इसमें डालना है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, और 2 मिनट इसको भून के इसमें हमने डाल देना है टमाटर। दो अदद दरमियाने साइज के जो हमने काट के रखे थे। थोड़ा सा पकाकर अब मैं इसमें डालूंगी ये सारे मसाले, कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा, हल्दी और नमक, ये सारी चीज़ें इसमें डाल दूंगी। इसको थोड़ा सा भून कर मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 कप पानी। पानी मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये ढककर रख देंगे तो टमाटर बिल्कुल घुल जाएंगे।
ढककर कम से कम मैं 15 मिनट तक पकाती रहूँगी। अब 15 मिनट बाद मिलते हैं। ये देखें, 15 मिनट पकाने के बाद हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे धनिया, और इसको अब इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और पकने छोड़ देंगे तो ये खुद ही गल जाएगी। इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये भुनी भुनी बनती है वैसे भी। अब इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम डाल देंगे मिर्चें, हरी मिर्चें। और बिल्कुल स्लो कर देंगे चूल्हे को। दस से 15 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाएगी और इसमें तेल भी ऊपर आ जाएगा। अब हमारी भिंडियाँ बिल्कुल गल गई हैं, ये देखें बिल्कुल रेडी है। ये बिल्कुल अब हमारी भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हैं। अब इसका हम फ्लेम बंद कर देंगे। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद है आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप अपना फीडबैक दें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।